परमेश्वर का धन्यवाद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सानू संभालिया और अज अपनी हजूरी दे विच लेके आंदा है। और किन्ने खुश ने अज, खुश केड़ी गल तो आ। हां जी हां जी, किसी की मौत ते खुश होने हो, खुश इस गल ते होवो भी सानू जीवन मिलिया। की मिलिया सानू? बोलो उच्ची आवाज नाल, मैनू जीवन मिलिया है मेरे बदले प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी जान दिती, जिन्हां दी वजह नाल अज मैं जीउंदा हां। आमेन। क्यों खुश हो? बोलो उच्ची आवाज नाल, की मिलिया तुहानू? तो भजन गा के सुनाओ जिहड़ा गाउंदे हुंदे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। उच्ची आवाज नाल भाइयो गा के, जीवन मिलिया आशीष। दिल टूट गए गम भी मुक गए, मुक गए अथरू सुख गए, सुख गए खुदा। बंधन टूट गए, ओ बंधन टूट गए, टूट गए गम भी मुक गए। गा के उच्ची आवाज़ ना कलीसिया। अथरू सुख गए आशीष ठहरी ठहरी बरकत बाई आई ये खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत खुदा। हालेलुया। सानू की मिलिया है? जीवन मिलिया है। ते जीवन केना ने दिता है? जीवन केना ने दिता है? ये जीवन जिहड़ा तुहानू मिलिया है परमेश्वर ने दिता है, यीशु मसीह ने दिता है। बाइबल च लिखा है यूहन्ना दी अंजील 3:16 आयत विच, परमेश्वर ने जगत ने अजिहा प्यार किया अपना इकलौता पुत्र, तुहानू की मिल जावे। हालेलुया। भी पाप मैं किया होवे ते सजा आ भाई मेरे बदले कवे, लो जी कतल इन्हां ने किया, इन्हां दी जगह ते मैं फांसी चढ़ जाना। किन्ना वड्डा प्यार है। कुट सानू पैणी आ, मार सानू पैणी आ, पर साडी जगह ते कौन खड़ा हो गया? पैसे दी खातर, राज दी खातर, केड़ी चीज दी खातर? उच्ची आवाज नाल प्यार। केड़ी चीज दा खातर? प्यार दी खातर। यीशु मसीह ताडे लई अज जान दित्ती आ। अज लोग बहुत उदास आ वी अज दे दिन यीशु मसीह सलीब ते चढ़िया। नहीं, ये यीशु मसीह ना चढ़ते सानू जीवन ना मिलता। यीशु मसीह गुड क्यों वा? नहीं तो बैड फ्राइडे होना सी, फिर गुड नहीं सी होना, केड़ा फ्राइडे होना सी? उसी आवाज नाल बैड फ्राइडे होना सी, बुरा शुक्रवार। क्योंकि आज के दिन छुटकारा आया वा। ताडी तारीफ बड़ी ढिली आ। हालेलुया। आज के दिन छुटकारा आया इस धरती के ऊपर। यीशु मसीह छुटकारा बन के आया। इसकी शुरुआत उत्पत्ति दे विच होई। गुनाह असी कीता, साडे बाप दादिया ने कीता, आदम ने कीता, पर ओदा हल किते नहीं सी। लोग बकरे शतरे मेमने चढ़ाउंदे सी, किते भी हल नहीं सी। फिर परमेश्वर नूं अपना इकलौता पुत्र भेजना पिया धरती दे उत्ते। हालेलुया। किन्हां दी खातर? हाथ रख के तो बोल दिया करो। किन्हां दी खातर? ढाडी खातर कोई जान नहीं दे सकता। जिहड़े कहिंदे आ ना, मैं तेरी खातर मर जाऊंगा, मैं तेरी खातर जान दे दूंगा, मैं तेरी खातर दवाई पी लैनी, जे तू मैनूं नाम मिली, जे तू मैनूं नाम मिलिया बुगे मैं भी मर जाना। कोई नहीं मरदा, मरदा वो कहिंदे एक बस जांदी आ ते दूजी, एक ट्रेन जांदी आ ते दूजी। बस समझो फिर हुण ये यीशु मसीह ने सच्चा प्यार कीता ताडे नाल, जिहड़ा ताडी खातर। फिर हुण तुहानूं प्यार करना चाहीदा जां नहीं चाहीदा? दिल दे हथ रख के बोलो, प्रभु जी
मैं सचमुच अपने दिल तो जान तो तनु प्यार करांगा, मरदे दम तक वफादारी नाल प्यार नाल तड़े नाल चलांगा, दुख सुख विच तड़ा धन्नवाद करांगा, तड़ा शुक्र गुजार रवांगा। आमेन, हालेलुया। जो व्याह करवाना हो तो कसमां वादे बड़े करते ने, कदी किते जाके कदी किते जाके हाथ रख के इतने हाथ रख के मैं सौ खाना तेन कदी छड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा, फलाना कर दूं, टिमकड़ा कर दूं। कदी यीशु मसीह ने वायदा किया है? यीशु मसीह ने ढाडे ना वायदा किया है? मरण तो पहला भी तो मरण तो बाद भी, जी उठन तो बाद भी, किन्ने वादे बाइबल दे विच आ? 800 कुछ वादे ने जिहड़े परमेश्वर ने ढाडे नाल किते ने। हालेलुया। वो कला कला वायदा अज भी परमेश्वर का कायम आ। हालेलुया। पर असी वायदे करके मुकर जाने, प्रभु नाल वादा कर लिया, प्रभु जी आ कर दियो आ कर देंगे, जो तो देखते हो तो महंगाई बड़ी होगी, होनी होना प्रभु जी माफ कर दियो, तो तैश में आके कह दी ये गल। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने साडे लिए जान दित्ती है। अज असी बाइबल दे विचों बहुत चीजा सीखनिया है, कलाम दे विचों सीखना है। पहला असी मेमने के बारे सीखना है, पढ़ो बाइबल दे विचों उत्पत्ति की किताब, ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਭਾਗ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ, ਅਗੋ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 4-5-20-30-40 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ 10-15 ਤੋਲੇ, ਵਾਲੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ 9 ਲੱਖਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 3 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 21 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਮੇਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਦਮ ਦਾ ਨੰਗ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਗ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ।
पर परमेश्वर ने वेख्या भी अब्राहम मैनू छड के इस बच्चे नू की कर रहा है। उहदा कारण यह सी अब्राहम नू बच्चा बहुत साल बाद मिलिया। 100 साल का अब्राहम है जदों उहनू बेटा होया, 75 साल का ही जदों परमेश्वर ने कहा मैं तैनू अंश दूंगा, तेरी अंश नू वधाऊंगा, 25 साल बाद की मिलिया उहनू जाके। इस करके की कर रहा बेटे नू प्यार कर रहा है, उस प्यार की खातर उस प्यार दा करके वो परमेश्वर तो दूर हो गया। फिर कहता प्रभु जी मेरे तो टाइम है नहीं, दुआ कर लियो तो टाइम नहीं, कलाम पढ़ लियो तो टाइम नहीं, परमेश्वर ना बैठन लियो तो टाइम नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता ए बेटा तेरा इकलौता बेटा मेरा मारिया। परमेश्वर ने की मारिया? परमेश्वर ने मेरा मारिया भी तेनू तू सब तो ज्यादा की करता वा प्यार करता, वो बेटा मेनू दे अज जेड़ी चीज तैनू परमेश्वर दे कोल रोक दिया अज कुर्बान करनी है परमेश्वर सामने। हालेलुया जीसस जीसस। जेड़ी चीज तैनू परमेश्वर दे कोल जान तो रोक दिया वो चीज की करनी है अज कुर्बान। हाथ उठा के बोलो कुर्बान कर दे। हाथ उठा के कुर्बान करनी है अज जेड़ी चीज तैनू परमेश्वर दे कोल रोक दी। नहीं तो परमेश्वर ने आके कहना जेनू तू सब तो ज्यादा की करदा वा प्यार करदा उनू मेरे लिए की कर कुर्बान कर दे। असी करते कुर्बान नहीं। फिर यीशु मसीह ने परमेश्वर ने करके विखाया जा नहीं विखाया? विखाया। बाइबल च लिखिया कि नहीं परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार कीता अपना इकलौता पुत्र। यीशु मसीह कुर्बान होने आया, परमेश्वर ने प्यार विखाया। जे तुसी यीशु मसीह नू सच्चा प्यार करदे हो दवो तां कुर्बानियां अपनियां इच्छावां दी, दवो तां कुर्बानी हरेक ओ चीज दी जिहड़ी तुहानू यीशु मसीह नू मिलण तों रोकदी आ, दवो तां कुर्बानी उस चीज दी जिहड़ी तुहानू परमेश्वर तों दूर करदी आ। वी अज उहनां चीजां नू सलीब ते चढ़ा दिओ जिहड़ियां चीजां तुहानू खुदावंद तों मिलण तों रोकदियां पईआं वा। हले बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। फसे हुए हैं आज ये समा सी जिस समय यीशु मसीह सलीब उत्ते लटकाए गए। 3 बजे यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे सीगे। 3 बजे यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे आ। सवेर दे 6 बजे यीशु मसीह नू हैकल दे विच लेके गए जिथे उन्होंने थप्पड़ मारे गए, मुँह ते थुकिया गया। 9 बजे अदालत च पेश किया गया। 9 बजे तो बाद 10-11 बजे के करीब सलीब नू चक के तुरते पए ने। इन्ना क ज़्यादा कुटिया होया सी, इन्ना क ज़्यादा कुचलिया होया सी भी यीशु मसीह तो सलीब भी उठाई नहीं सी जारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लड उन्होंने खून निकल चुका सी। 1 घट 40 कोड़े उन्होंने पिठ के उत्ते मारे गए। साढ़े सूई वजवे असी रोने असी डर जाने घबरा जाने भी इनफेक्शन हो जानी। यीशु मसीह ने जिहड़ी मछली ते कुंडी हुंदी आ उदां दीआं कुंडियां वाले कोड़े मारे गए ढुई उत्ते। जदों मारदे सी चमड़ी बाहर निकलदी सी, स्किन बाहर निकलदी सी, थले पिछे पसलियां पसलियां यीशु मसीह दीआं नजर आ रहियां। किहदे लई? साडे लई मार खा रहा, साडे लई परमेश्वर ने यीशु मसीह ने मार खाधी आ। ते तुसी यीशु मसीह लई अज एक समां नहीं कढ सकदे। यीशु मसीह दे लई असी फोन नहीं छड सकदे, यीशु मसीह लई असी नशा नहीं छड सकदे, यीशु मसीह लई असी लालच नहीं छड सकदे। ते फिर की फायदा साडे मसीह होण दा? की फायदा यीशु मसीह नू मन्नण दा जे यीशु मसीह लई कुर्बानी नहीं दे सकदे? प्यार कुर्बानी मंगदा है, प्यार की मंगदा है? ते परमेश्वर ने प्यार किया इसलिए अपने पुत्र नू कुर्बान किया। जे तुसी प्यार कर दोगे ते कुर्बानी दोगे, जे प्यार करोगे ते कुर्बानी दोगे। क्यों? अब्राहम नू परमेश्वर ताने मिणे मार रहा है। पढ़ो पत्रस जी की ताना मिणा वज रहा, सुनो ध्यान नाल। अज असी इंजॉय नाल रहने जिंदगी जीने भी बस जी यीशु मसीह नू मन्नन लग पे बपतिस्मा ले लिया बड़ी अच्छी जिंदगी है। वो जिंदगी तो अच्छी है पर उहदे पिछे चलना भी है यीशु मसीह दे। हाँ जी पत्रस जी तां उसने आख्या यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर ने आख्या तू अपने पुत्र नू हाँ इकलौते पुत्र नू आ मेणा वा इत्थे वज्जण दिया। जिदा सौंकणा नहीं लड़दियां हुंदियां दराणी जठाणी ननान भरजाई इतने की मार रहा परमेश्वर मेना पहला की क्या भी तू अपने पुत्र नू हाँ हाँ तू अपने इकलौते पुत्र नू इकलौते पुत्र नू हाँ जी जिसनु तू प्यार करता है। इतने होर थोड़ा जा गुस्से च प्रभु आ गया की कह रहा जेनू तू की करता बहुता
अज असी बहुता प्यार अपनी फैमिली नू करते हैं, अपनी पत्नी नू, पति नू। मैं नहीं कहना ना करो, करो, पर परमेश्वर यीशु मसीह तो ज्यादा ना करो। सब तो ज्यादा प्यार किनू करना है? असी सब तो ज्यादा प्यार किनू करते हैं? पास्टर जी मेरी मां ली दुआ कर दो, मां नू प्यार करो, बाइबल कहती है। पर इन्ना भी प्यार ना करो भी मां तो यीशु मसीह दे विच आ जावे, ढाडे विच ते यीशु मसीह दे विच की आ जावे, मां आ जावे ढाडे विच ते यीशु मसीह दे विच। कोई ऐसा दी दुनिया की चीज़ नहीं होनी चाहिए जिड़ी तुहानू परमेश्वर के प्रेम तो की कर सके। अड कर यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा अपने भरा दा, अपनी मां दा, अपने बच्चों का इनकार नहीं करता वह मेरे लायक भी। यीशु मसीह के चेले ने कहा प्रभु जी मेरे बाप की मौत हो गई, मेरे पिता की होगी मौत होगी, मैनू इजाजत दौ। पैरी हाथ ला के कहता होगा, मत्था टेकता होगा, गुरु जी रब्बी जी मैनू इजाजत दौ, पहला मैं जाके अपने पिता जी दफना। तो प्रभु यीशु मसीह ने मोरियो की कहता, मुर्दियां नू मुर्दे दबन दो। जे मैं कहना ढाडे अर्गा कोई चेला हो, रब ना करे किसी के बाप की डैथ हो जाए, और मैं कहना मरन दे जिहड़ा मर गया उन्हूं कद दबना छड्डो, पर आपे दब देणगे। तुसीं चुप करके बंदगी च बैठो, तुसीं करना पादरी शदाई हो गया, साडा बुढ़ा मर गया, इहनूं टिचरां आउंदियां मोहरों सानूं गलत बोलण डिया है, रुसूंगे जां नहीं रुसूंगे? बोलो जी भाई नाल, तुसीं मिंट विच की होणा? नाराज होणा है, रुस जाणा है। ते चेला रुसिया नहीं है, ओ यीशु मसीह दे नाल चले आए। हालेलुया, यीशु मसीह सख्ती नाल बोले आ, मुर्दियां नूं मुर्दे की करन दे, फूकन दे, दफनाउन दे, तू कद तैनूं की टेंशन नहीं आती? एक बाप होवे तो मोरे ये गल कह दिए मुर्दियां नूं मुर्दे दबण दे, वो कहिंदा होणा यार मेरा बाप चल गया जिन्हें मैनूं पढ़ाया लिखाया, जिन्हें मैनूं एडा वड्डा कीता, मेरी परवरिश की। मैं कहना इत्थे सारे लोग इमोशनल बैठे आ, किहड़े लोग बैठे आ? तुहानू माड़ी जी पादरी साहब ने कोई गल कहती, एडे एडे गलेडू अखां चो भी पानी तो नक् चो भी पानी वगना है। ले मेरा बाप मर गया तो यीशु मसीह ने मेरे ना दुख तो की वंडाउणा, उल्टा मैनू मुरे कहते मुरदियां नू मुरदे दबण दे, भी बाप का आखिरी बारी मूंह भी ना वेखी। यीशु मसीह इत्थे कुछ सिखाउण डिया, क्योंकि जिहड़े मसीह दे विच हुंदे ने उह कदी भी मरदे। हालेलुया, जिहड़े मसीह विच हुंदे ने उह कदी भी मरदे। हालेलुया, सुनो ध्यान नाल, क्यों प्रभु ने कहा भी मुरदियां नू मुरदे? हालेलुया, क्यों कहा प्रभु ने मुरदियां नू मुरदे दफनाउण दिओ? क्योंकि उह मसीह दे विच, जिहड़ा मसीह विच हुंदा नहीं तो प्रभु ने कहना क्यों रोण डिया, उह मरिया थोड़ो वा, उह तां हालेलुया वो मरिया थोड़ो वा, वो तां। एक गल ध्यान च रखो, क्यों प्रभु ने उत्थे वो गल कही सी? क्योंकि वो मसीह के पिछे नहीं सी, जिहड़ा मसीह के पिछे नहीं आ मरिया होया, जिहड़ा मसीह के पिछे नहीं वो, ते जिहड़े मसीह विच होके मरदे ने वो कदी भी मरदे। वो की करदे ने जी? बोलो हालेलुया। कई तो चर्च विच ही सौंदे ने, हालेलुया, वो सुते हुए जिहड़े मसीह विच होके मरते ने, सौंदे ने, मरते भी नहीं आ, सौंदे ने, जो प्रभु ने आना उदो जी उठते ने। हालेलुया, खुदा दे विच मौत नहीं है तुहाडे वास्ते, क्योंकि मौत तां यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते हरा दिता वा, मौत नूं तां सलीब दे उत्ते हरा दिता यीशु मसीह ने। अज तुहाडी वारी है मौत नूं हराउण दी, उच्ची आवाज नाल, अज तुहाडी वारी है मौत नूं हराउण दी। परमेश्वर चाहता जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं ज्यादा प्यार करते हो अज की करना सलीब दे उत्ते? जे मैं हुण कहां ना तुसीं कहो जिहड़ी जिहड़ी चीज़ नूं प्यार करते हो, कई नाम निकलने विच्चों। प्रभु जी मैं तो अपने शरीर नूं बड़ा प्यार करदी, मैं सोहनी बहुत हां, मैं तो रोज रात नूं फेशियर करके सोनी हां भी कितने मेरा मूँह ना खराब हो जाए। प्रभु कहिंदा मूँह चढ़ा दे। प्रभु जी मैनू हंकार है अपनी सेहत उत्ते, प्रभु ने कहना यह सेहत चढ़ा दे। रोमियां दे विच लिखिया होया है भी परमेश्वर के सामने अपनियां देहां नूं पवित्र करके पौंदा की चढ़ा दिओ, फिर चढ़ाया अज तक। अब्राहम बेटे दे विच इन्ना मगन हो गया, परमेश्वर तो की हो गया, दूर हो गया। इस करके परमेश्वर की मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है, बेटे दे की मांग रहा है? बोलो प्रभु जी मेरे जीवन दे विच
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਵੀ ਸੋ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵਾ? ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਣੀ ਆ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੂੰਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝਾੜੂ ਚੜਾ ਦਈਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਗੇ ਚੜਾ ਦਈਏ ਲੂਣ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਨ ਦੇਣਾ ਰਿਫੈਂਡ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲਾ ਵੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 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 ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਟੈਟੂਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, MS ਐਮ ਤੇ ਮਿੰਦੋ, ਐਸ ਤੇ ਛਿੰਦੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਜੀ? ਇਹਦਰੀਆਂ ਦੋ ਦਾਦੀਆਂ ਸੀ ਬੁੱਧ, ਇਹਦਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਦੋ, ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸੜਨਾ ਹੈ, ਫੂਕਣਾ ਹੈ, ਦੱਬਣਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ? ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਨਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਉਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ?
तेरी भी बांह तो मैं लगता कि मोरनी चिड़ी चिड़ी बनी हुई है। अज असी प्रभु यीशु मसीह दे कोल ए सिख रहे हां भी खुदावंद यीशु मसीह ने साडे लई कुर्बानी दित्ती, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दित्ता। अज असी यीशु मसीह नूं बोलो की दे सकदे आं प्रभु? हालेलुया। हाँ जी पत्रस जी पढ़ो अपने बेटे नूं की कहिंदा अब्राहम, अपने बेटे नूं सुनो की कह रहा है। इहदी पत्रस जी नूं 8 तक पढ़ दिओ। अब्राहम ने आख्या है मेरे पुत्र, अब बेटे ने पूछा कहिंदा बापू जी बली कित्थे आ, जिहड़े आपां चढ़ाउणी आ कुरबानी देणी आ, ना मेमणा ना छतरा, कित्थे आ? ते अब्राहम ने अपने बच्चे नूं कहा है मेरे पुत्र, है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बली लई लेला आपे ही दऊगा, तां दोवें इकट्ठे तुरेंगे। हालेलुया। अब्राहम दा देखो अपने बेटे तो भी पढ़दा, की कह रहे अपने बेटे नूं? परमेश्वर आपे इंतजाम करेगा। परमेश्वर अब्राहम नूं पता कि नहीं पता भी मैं अपने पुत्र नूं लेके जाण डिया, पर अपने बेटे नूं की कहिंदा? परमेश्वर की करूगा, इंतजाम करूगा। तुहानूं पता है तुहाडे घर विच कुछ नहीं आ, पर तुहाडे बच्चिआं नूं नहीं पता। तुसीं अपने बच्चिआं नूं कहिंदे चिंता ना कर, परमेश्वर की करूगा, इंतजाम करूगा। ते तुहाडे लई अज इंतजाम हो चुका है। आमीन। छिंदा साहब भविष्यवाणी है ढाडे लिए, परमेश्वर ने 2022 दे विच इंतजाम कर दिता है। खुदा तुहानूं छुटकारा देगा जिहड़ियां परेशानियां विच दी असीं जाणदे हां, पर तुरीए तां सही परमेश्वर वल नूं। अब्राहम तुरिया जां नहीं तुरिया अपने बेटे नूं लैके? अज असीं तुरन तों की करदे हां? डरदे हां। अज असीं परमेश्वर वल जाण तों डरदे हां भी परमेश्वर कुछ मंग ना लवे, परमेश्वर सानूं कुछ कह ना दे। अब्राहम तुरिया अपने बेटे नूं लैके, जो तुरिया अपने बेटे नूं कहिंदा चिंता ना कर, परमेश्वर की करेगा, इंतजाम। फिर देखो परमेश्वर ने इंतजाम भी किया है। हाँ जी पढ़ो पत्रस जी दी 14 ए 12 तो शुरू कर दो। उसने आख्या तू इस मुंडे नूं हाथ ना ला अते ना ही उस नाल कुछ कर। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे नूं लेके जदों गया है वेदी बनाई, वेदी दे उत्ते अपने बेटे नूं चिन्ह दित्ता। स्टोरी नूं समझना, हालेलुया। वेदी बनाई है परमेश्वर ने, समझना समझना। तुहानूं यीशु मसीह नजर आवेगा विच विच कलाम दे। वेदी बनी है पाप है, बाप ने अपने बेटे नूं जदों बन्निया होवेगा मन विच उहदे दिन चेते आउंदे होणगे जदों जम्मिया होऊ, पहला गोदी च चक्या हो, बाप ने बुग्गा किया हो, चुम्मन किया हो, गोदी च लैके तां चक के परमेश्वर का धन्यवाद किया हो भी परमेश्वर तेरा की आ धन्यवाद, तू मैनू की दिता? बेटा दिता। बाप जो बनता होगा रस्सी दे नाल, बेटा कहिंदा होना डैडी तू तो मैनू प्यार ही बड़ा करदा, सारी तेरी दौलत का अधिकारी मैं वा, होर तो तेरा कोई बच्चा भी नहीं। डैडी तू मम्मा नूं भी नहीं दस्या, डैडी मेरे तो कि गलती होगी तू मैनू मारन लगा, डैडी की कसूर की मेरा, पापा की वजह की है? मुंडा हाथ पैर मार रहा लिखा रोंदा पिया है मुंडा, ओदी उम्र मेंशन नहीं है, वो 8 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी। वो न्याणा तोतली आवाज ना पापा पापा कहता होगा, जो तो बच्चा रोंदा होगा बाप दे दिल ते की बीती होगी, बाप दे दिल दे उते की बीतती होगी जो तो बेटे नू बांधा होगा। उन्हूं ये थोड़ा पता भी परमेश्वर ने मैनू रोक लेना, उन्हूं नहीं पता अब्राहम नू भी परमेश्वर मैनू रोकूगा, उन्हूं पता भी परमेश्वर ने मंगया वा तो देना वा। बच्चा रोंदा पिया भी डैडी तू तो मैनू इन्ना प्यार करदा, पढ़ो पत्रसी अते जिवें ही डैडी दस तो शुरू करो ता जिवें ही अब्राहम ने अपना हाथ कढ के छुरी फड़ी कि अपने पुत्र नूं कोहे ता यहोवा दे दूत ने उसनूं आकाश तों पुकारिया अब्राहम अब्राहम, उसने उत्तर दिता मैं हाजिर हाँ। हालेलुया, हालेलुया। छुरी चक ली पेन दे दे जो छुरी चकी आ बच्चे नूं दिसदा कि नहीं दिसदा भी मैनूं मारन लगा? तुसीं छोटे बच्चे ते जदों थप्पड़ ही वटदे हो डरदा बच्चा जां नहीं डरदा? डरदा ना।
जो चप्पल ही चकते हो भावा मैं कहना बच्चा दो साल का हो पता लग जाता भी मैनू की लगे आ मारन लगे जो बाप ने छुरी चकी होगी उन्होंने बन दिता होगा तो हाथ पैर बन दते हो जो छुरी चक ली और रोंदा नहीं डैडी छड़ दे मैनू रोंदा नहीं बिल्कुल रोंदा होगा इतों छुरी चकी आ बिच नहीं लिखिया इतों छुरी चक के जो मारन लगा होगा उस समय आवाज आ गई छुरी इतों जाके डिग पी भी कहता अब्राहम अब्राहम इस बच्चे नू हाथ ना लाई क्योंकि मैं जान गया तू मैनू कितना प्यार करता है हालेलुया हालेलुया भी मैं जान चुका तू मैनू कितना प्यार परमेश्वर का टेस्ट लेंदा है भी तू परमेश्वर दा करके लालच छड़दे हो परमेश्वर दा करके झूठ छड़दे हो परमेश्वर दा करके उन चीजां नू कुर्बान करदे हो जिहड़ियां चीजां ने तुहानू अन्ना कर दिता है अज जिहड़ियां चीजां तुहाडे तों दूर परमेश्वर करवाना चाहुंदा है अज ओह तुहाडे विच वड़ियां होईयां ने जिहड़ियां तुसीं छड्ड नहीं सकदे इहदी जगह दे उत्ते हुण सुणो इसी जगह दे उत्ते अब्राहम दे बेटे नू प्रभु ने ठालिया जो लै इधर परमेश्वर ने अब्राहम दे बेटे नू ठाल दिता है अब्राहम दे बेटे नू ठाल दिता है परमेश्वर ने अपने बेटे नू उहदी थां ते लम्मा पा दिता है एडी जगह दे उत्ते ताडे बच्चे दी जगह दे उत्ते ताडे धीआं पुत्तर दी जगह दे उत्ते मेरे बच्चे दी जगह दे उत्ते परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्तर नू उस जगह दे उत्ते लम्मे पा दिता है भी तेरे नहीं मेरे बेटे दी कुर्बानी दित्ती जाऊगी इस जगह दे उत्ते हालेलुया ते अज असीं कुर्बानी नू भुल चुके हां अज असीं मोबाइलां च इन्ना बिजी हो गए हां पैसे च इन्ना बिजी हो गए हां बच्चियां च धीआं पुत्तरां च इन्ना बिजी हो गए हां इस कुरबानी नूं परमेश्वर दी कुरबानी नूं भुल चुके हां उस समय उस जगह उत्ते परमेश्वर ने एक छतरी दा की कर दिता है इंतजाम करता उहदे सिंह फसे हुए ने झाड़ियां दे विच उस जगह उत्ते यीशु मसीह आ चुका है मेमना बन के छतरा बन के जिहड़ा ताडे लई मेरे लई कुरबान होण दे लई आ गया या दूसरी कुर्बानी पहली कुर्बानी परमेश्वर ने कित्थे दित्ती बाग दे विच दूजी अब्राहम दे कोल उहदे बेटे दी थां ते अपना पुत्र मेमना आदम दी थां दे जगह दे उत्ते अपना बेटा मेमना बाग दे विच परमेश्वर ने कुर्बान कित्थे दी चमड़ी ताडे उत्ते पहना दित्ती हालेलुया अज तुसी इस मेमने वाल जो देखते हो ना तुहानू नज़र की होना चाहिए जो तुसी सलीब वाल देखते हो सलीब वाल वेख के तुहानू नज़र की होना चाहिए भी उस जगह ते जिथे यीशु सी है ना उस जगह ते अज मैं होना सीगा पर उस जगह दे उत्ते कौन है अज यीशु सी आ जो तुसी पाप करते हो गुनाह करते हो उस समय यीशु सी नू सलीब दे उत्ते चढ़ाउंदे हो अज साढ़े देश नू आजाद करने लई शहीद भगत सिंह जी ने कुर्बानी दित्ती सुखदेव ने राजगुरु ने कुर्बानियां दित्तियां होर कई सूरमे ने जिन्हें कुर्बानी दित्ती ते लोग उन्हां नू याद करदे ने भी अज उन्हां दी वजह नाल आजाद आ ते तुहानू पता होना चाहीदा है पाप दी गुलामी तो तुहानू आजाद करन वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आ जिहदी बदौलत तुसीं अज आजाद हो हालेलुया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ ये दूसरी कुर्बानी हुण आपां तीसरी कुर्बानी वल जाना है चलिए चलिए खोलो कूच दी किताब अज परमेश्वर ने साडे लई जान दित्ती यीशु मसीह ने और अपनी सब तो प्यारी चीज परमेश्वर ने दित्ती क्यों दित्ती क्योंकि अब्राहम ने भी अपनी सब तो प्यारी चीज परमेश्वर नु दित्ती है ते तुसी भी अपनी सब तो प्यारी चीज देनी हाँ जी पत्रस जी हाँ जी पढ़ो पढ़ो स्टार्टिंग तो यहोवा ने मिस्र देश विच मूसा अते हारून नू आख्या कि ए महीना तुहाडे महीनियां दा आरंभ होवेगा और ए तुहाडे वरे दे महीनियां विच पहला है इसराइल दी सारी मंडली नू ए बोल ए बोलो कि इस महीने की दसवीं नू एक एक जना आपो अपने पितरां दे घराने अनुसार हर घर पिछे एक एक लेला लवे
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਠਹਿਰਾਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦਾ ਨਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀ ਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਸਵੀਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹਰੂਣ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਡ ਲਹੂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਲੰਘੇਗੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਦੌੜ ਕੇ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੋਲੋ 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 ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਲਹੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਨਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 7-8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯੂਹੰਨਾ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਮੌਤ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਦੇਖਦੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।
घर च तो मैं जा नहीं सकती, तू आ बाहर। जिन्नी देर तू यीशु मसीह दे विच आ, जिन्नी देर यीशु मसीह दे लहू दे विच आ, ताडा वाल भी विंगा नहीं हो सकता। जिन्नी देर यीशु मसीह दे लहू दे विच आ, जिन्नी देर शिंदा साहब असी यीशु मसीह दे ब्लड दे विच आ, मैं कहना ताडा वाल भी विंगा नहीं हो सकता। जो यीशु मसीह दे ब्लड तो बाहर आए हैं, दुनिया विच आए हैं, यीशु मसीह नूं छड्ड के दुनिया विच आए हैं, पाप विच आए हैं, मैं कहना वाल की फिर सारा कुछ ही विंगा हो जाना। तोड़ मरोड़ के रख दिंदा है शैतान। इस जगह ते भी की दित्ती प्रभु ने, बोलो कुर्बानी दे, किन्नी कुर्बानी है जी, तीसरी। चलिए अगे होर, चलो चलो तुसी जो होवा अपने परमेश्वर लई हफ्तियां दा पर्व अपने हाथ दी खुशी दी भेट दे नजारियां नाल मनाओ। तुसी तिवें दिओ जिवें तुहाडा परमेश्वर तुहानूं बरकत दिंदा है। तुसी जो होवा अपने परमेश्वर दे सन्मुख उस अस्थान विच जेड़ा जो होवा तुहाडे परमेश्वर अपना नाम वसाउण लई चुनेगा आनंद करो। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਲੇਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਬ ਹੈ ਇਹ ਪਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਬੀਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਖੋਲੂਗੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪਸਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸਾ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਮੀਰ ਨਾ ਖਾਇਓ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਖਾਇਓ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੜਾ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾ ਚੜਾਓ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਰੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪੜੋ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਓ ਛੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਿਣੋ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਪੜੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਬੱਕਰੇ ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ
परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उसके प्रायश्चित किया जाए और वह अजेकल के जंगल में छोड़ा जाए। हालेलुया। परमेश्वर दे कलाम दे विचों पढ़िया भी दो बकरे ले जान और एक दे उते जो तू ही दुआ करो ऐसा जेल दे ली छड़िया जावे ते दूजा यहोवा ली की किता जावे। बोलो दूजा यहोवा दे ली की किता जावे। कुर्बान जगह दे उते लिखा है लेवी दी किताब दे विच 16 पाक दी 10 सैद विच कहिंदा इधर दो जने आओ फिर जोएल पर इधर दौड़ के छेदी आओ केंदा दो मेमने ले जान और केंदा दोनों दे विचों चिट्ठी पाई जावे। की पाई जावे? बोलो चीवाई नाल चिट्ठी पाई जावे जेदा निकले आया नाम ओ परमेश्वर लिखी कर दिता जावे कुर्बान कर दे जेदा नहीं निकलिया ओ जंगल दे विच। हालेलुया। ओ जंगल दे विच की कर दिता जावे ते जेदा नाम निकले आया ओ की कर दिता जावे ये कुर्बान हो गया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ? ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ 27 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਜੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਬ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਬ ਏ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੈਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਆ? ਦੋ ਕੈਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਝੂਠ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਲੱਚਪੁਣਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਦੀ, ਬੋਲੋ ਦੂਸਰਾ ਕੈਦੀ ਬਰੱਬਾ। ਭੇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕੈਦੀ ਬਰੱਬਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ 16:10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਬ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਜਾਂ ਬਰੱਬੇ ਨੂੰ, ਬਰੱਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਰੱਬੇ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੱਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਵਾਹ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖ
क्यों जो मैं अज सुफने विच उसके कारण वड्डा दुख दिठा पर प्रधान जाजगा अते बुजुर्गों ने लोगों को उभारिया जो ब्रह्मा नु मंगो अते यीशु दा नाश करो। फिर हाकम ने अगो उन्होंने आख्या तुसी दोहां विचों किनू चाहते हो जो मैं तुहाडी खातर छड्ड दियां। वो बोले ब्रह्मा नु। पिलातुस ने उन्होंने आख्या फिर यीशु नु जिहड़ा मसीह कहुंदा है मैं की करा। वो सब बोले सलीब दियो। पर उसने आख्या उन्हें की बुराई की है पर उन्होंने होर भी दंड पा के आख्या उन्हें सलीब दियो। हालेलुया हालेलुया। ये परब का त्यौहार है। दो मेमने हैं लोकी कहते ने बरब्बा नु छड्डो तो यीशु मसीह नू की दे दियो। जिहड़ा चढ़ाउण वाला वह भी कहिंदा यार इन्हें तो कोई कसूर भी कसूर किन्हां ने कीता बोलो असी कीते। जिहड़ा बरब्बा सी वह डाकू सी वह की सीगा वह डाकू सीगा क्रांतिकारी सीगा वह रोमियां नाल लड़दा सी क्योंकि इजराइल दे उत्ते की कीता होया सी उन्होंने कब्जा किया रोम का शासन से उस समय। आज फिर दोनों जने बचे हो एक बरब्बा वा एक यीशु मसीह है। तो उन्होंने लोगों प्रधान जाजकों ने उकसाया भी तुसी एक गल कहनी आ ये चिट्ठी आ चिट्ठी पाई है भी तुसी कहना बरब्बा नू छड्ड दियो तो यीशु मसीह नू की दे दियो। तो लोग की कहिंदे ने बरब्बा नू की कर दियो साडे लई। ये जिहड़ा बरब्बा ना ये पता कौन आ तुसी आ। डाकू कौन सी चोर कौन सी हरामकारी कौन सी गंद मंद करन वाले कौन सी। यीशु मसीह ने तो कोई पाप भी कभी झूठ भी कभी नहीं बोलिया। तो जिहड़ा सज़ा देने वाला वह भी कहिंदा कहिंदा यार इहदे च तां कोई कसूर भी नहीं गा। साडी खातर यीशु मसीह की लैन जा रहे आ सलीब चिट्ठी किहदे नाम दी निकल आई। लोग की कहिंदे ने भी ब्रह्मा नू छड्ड दियो तो यीशु मसीह नू सलीब दे दियो। ये उही लोग ने जिन्हां नू प्रभु ने चंगिया कीता जिन्हां नू रोटियां खवाईयां प्रभु ने जिन्हां दियां प्रभु ने दवावां कीतियां जिन्हां लई प्रभु ने वड्डे वड्डे काम किए। उही लोग की कहिंदे ने अज प्रभु नू की दे दियो सलीब दे दियो सलीब ते कुरबान कर दियो। बर अब्बा दा मतलब सुनो हिब्रू दे विच जिहड़ा बर अब्बा जिन्हों पंजाबी बरब्बा लिखा ना बर अब्बा उदा बर अब्बा बर अब्बा बर का मतलब होंदा है बेटा अब्बा का मतलब होंदा है पिता पिता बेटा बेटा पिता। जिहड़ा बर अब्बा वह हैगा वा पिता का बेटा इंसान पिता का बेटा। तो जिहड़ा यीशु मसीह आ इहदे नाम का मतलब की आ बोल दियो बोलते क्यों नहीं। यीशु मसीह के नाम का मतलब मुक्ति देने वाला छुड़ाने वाला नजात देने वाला। इस जगह के उत्ते परमेश्वर नूं ये बेटा नहीं चाहिए इस जगह पर यह बेटा चाहिए है जिहड़ा निष्कलंक सी पढ़िया ना जिहड़ा मेमना चढ़ाना की होवे वो निष्कलंक होवे बेदाग होवे उहदे शरीर विच कोई भी दाग ना होवे भावे कोई भी कितों भी नुक्स ना होवे भी काणा ना होवे जे ना होवे वो ना होवे। पहलां जाजक चैक करदे सी भी कोई पाप नहीं क्यों पिलातुस इत्थे कह रहा कहिंदा इहने तां कोई पाप। इह ओह गल्लां पूरियां हो रहियां ने मेमने दे लई भी मेमना निष्कलंक होना चाहिए। की होना चाहिए मेमना निष्कलंक मतलब कि बेदाग होना चाहिए कोई भी मेमने दे विच नुक्स नहीं होना चाहिए। इस करके पिलातुस ने कहा भी यीशु मसीह दे विच तां कोई पाप मैं इन्हें तां कोई गुनाह भी। पर जिहड़ा बरब्बा सी ओह की सीगा डाकू सी लुटदा ही मारदा सी कतल कीते सी उहने कई। ये असी हाँ पर इह ताडा छुटकारा वा मुक्ति है। इत्थे चिट्ठी पाई गई और चिट्ठी यीशु मसीह दे नाम दी निकली आ।
और बरबा छड़ दिता गया जंगलों के भावे दुनिया के दुनिया एक जंगल आ बंदा गवाच जाता ये बंदा पैसे वेच बंदा प्यार वेच बंदा अन्ना हो जाता अज के समय के दसदा नहीं भी मेरी माँ वा मेरी भैन आ पिछे जो तुम सुने चार साल की बच्ची का रेप करता स्कूल के गुरदासपुर के गवाचे हुए जंगल की होए सी गवाचे पर प्रभु गवाचिया होयानू तो बोल दो सानू छड़ दिता गया यीशु मसीह नू सलीब दे उत्ते चढ़ा दिता गया यीशु मसीह दे चढ़ाउण दे नाल साडा बहजो घुटने भर बच्चे साडा की हो गया छुटकारा हो गया हालेलुया क्योंकि मुक्ति मुक्ति बन के आया यीशु मसीह ये आ पंजवीं कुरबानी पंजवीं कुरबानी यीशु मसीह की बन के आया मुक्ति बन के आया यीशु मसीह दे सलीब चढ़ाए जाण दे उत्ते सानू की मिलिया है सानू की मिली है मुक्ति मिली है आजादी मिली है अज जे तुसी आजाद घूम रहे हो ना यीशु मसीह की वजह नाल यीशु मसीह की वजह नाल असी आजाद घूम रहे हैं असी गवाचे हुए सी जंगलों के पर यीशु मसीह ने सानू लभया है छुड़ाया है अज भी असी गवाचे हुए हैं पर जो तुसी यीशु मसीह के कोल आने सलीब के कोल आने अपने छुटकारे नू पाओगे जो यीशु मसीह के कोल आओगे अपनी मुक्ति नू पाओगे जो यीशु मसीह के कोल आओगे छुटकारे नू पाओगे जो यीशु मसीह के कोल आओगे तुसी अपनी नजात नू पाओगे जो यीशु मसीह के कोल आओगे तुसी जीवन नू पाओगे हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया ये पंजवीं कुर्बानी है जिहड़ी यीशु मसीह ने साडे लई शुरू तो यही कुर्बानियां यीशु मसीह दिंदा अरे वाह हालेलुया ये पंजवीं कुर्बानी है ते छेवीं कुर्बानी ढाडी आ छे दिन काम किया जाए तो सतवें दिन छेवीं कुर्बानी किन्हां दी है अज अपनी कुर्बानी अज तुहानू एक कहने की लोड़ है प्रभु जी अज तुसी नहीं सलीब दे उत्ते अज प्रभु जी मैं चढ़ांगा सलीब दे उत्ते प्रभु जी तुसी साडे लई दुख सहले 2000 साल पहला अज प्रभु जी मैं सलीब दे उत्ते चढ़ांगा अपनी बुरियां आदतां नू अज सलीब दे उत्ते चढ़ा देंगा प्रभु जी अज मैं अपने लालच नू सलीब दे उत्ते चढ़ा देंगा प्रभु जी अज मैं अपने गुनाह नू जिहड़ियां अखियां गुनाह करदियां ने इन्हां अखियां नू प्रभु जी सलीब दे उत्ते चढ़ा देंगा प्रभु जी इस जुबान नाल जिहड़े गुनाह कीते ने इस जुबान नू सलीब दे उत्ते प्रभु जी चढ़ा देंगा छेवीं कुरबानी ढाडी है पढ़ दिओ रोमियां दी पत्री 12 सो है प्रभु मैं परमेश्वर दी रहमता दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ भाई तुसी अपनियां दईयां नूं जिउंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नूं भौंदा बलिदान करके चढ़ावो हालेलुया हालेलुया की कर रहा इत्थे पैलूस की कर रहा वा बेनती कर रहा वा भी तुसी की चढ़ाउणा परमेश्वर नूं बोलो बलिदान किदां दा चढ़ाउणा जिउंदा ते हुण सुनना ध्यान नाल मरे हुए दी कदी भी बली नहीं चढ़ाई जांदी सीगी जिउंदे नूं लै के आउंदे सी जल तोड़ गया फिर एक बारी पुराने नेम दे विच लै के चलना तुहानूं माड़ा जिहा घुटनिआं पर बैठ जा मेरे अल मुँह कर पुराने नेम दे विच मेमणे नूं लै के आउंदे सी मैं गुनाह कीते मैं पाप कीते उस सारे साल के बाद जिहड़ा मेमना हुंदा सी और जिहड़ा पापी हुंदा सी जाजक ने उहदा हत्थ फड़ के मेमने दे उत्ते रखा देना मेरे सारे पाप इस मेमने दे विच चले जांदे सी फिर उस तो बाद आ मेमने नूं लिजाया जांदा सी और लिजा के विहड़े दे विच बली उहदी चढ़ाई जांदी सी हालेलुया ते यीशु मसीह नूं भी लगाए और लिखिया है पूरे जगत दे प्रभु ने की चुक ले पूरे जगत दे हाथ प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते आ गए
और साडे पाप ट्रांसफर हो गए यीशु मसीह दे विच, और जो यीशु मसीह दे विच पाप ट्रांसफर हो गए और उस समय साडे गुनाह यीशु मसीह दे विच चले गए, और यीशु मसीह उस समय पापी बन गया जिन्हें कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर नूं पाप तो इन्नी नफरत, बेटा सलीब दे उत्ते चढ़िया होया है, बेटा कित्थे चढ़िया होया है, सलीब दे उत्ते, ते परमेश्वर ने की फेर लिया, अपना मूंह फेर लिया, मूंह बेटे तो फेरिया के पाप तो फेरिया, क्यों कहता यीशु मसीह है पिता तू मैनू जेड़ा पवित्र हुंदा सी मेमना, जिन्हें मेमने ने कदी पाप नहीं सी कीता, जिन्हें किसी औरत नूं नहीं छू के वेख्या, जिन्हें कदी नशा नहीं करके वेख्या, कदी गाल नहीं कढ के वेखी, कदी बुरा सोच के नहीं वेख्या, उस मेमने ने साडे पाप चके आ, क्योंकि बाइबल च लिखिया भी जेदी तुसी बलि चढ़ाउणी आ ओ पवित्र होवे, निष्कलंक होवे, बेदाग होवे। ते यीशु मसीह की सीगे? बेदाग सी, पर दाग किहना दी खातर लगा? साडे दाग किहदे उत्ते चले गए? प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते। चोरियां असी करते रहे, तकोट जिउंदा बलिदान चढ़ावे। जिहड़े लोग अज प्रभु दे विच ने, गल नूं सुणो ध्यान नाल, पुराने नेम दे विच मेमना जिउंदा हुंदा सी, बेदाग हुंदा सी जिहनूं लिया के चढ़ाया जांदा सी, ते यीशु मसीह भी जिउंदा सी, बेदाग सी, साडी खातर चढ़ाया गया। तो छेवीं कुरबानी ढाडी भी जिउंदे होनी चाहीदी आ, मरी हुई किहड़ी होनी चाहीदी आ? जिउंदी कुरबानी होनी चाहीदी आ, मरी हुई और साफ लिखिया है पवित्र होने चाहीदे हो। की करना अपने आप नूं? फिर ढाडी की होनी आ? भेट कबूल होनी आ। जदों तुसीं इस तरीके नाल चलोगे भी अपने आप नूं जिउंदा परमेश्वर दे विच करोगे, जदों यीशु मसीह दे विच आ जाने हो तुसीं जिउंदे होने हो, जदों बपतिस्मा लैने हो उदों तुहाडा जन्म हुंदा है, जीवन मिलता है, पवित्रता इहदे नाल जो तुसीं चलते हो, जो तुसीं खुदा दे विच जीउंदे हुंदे हो पवित्रता नाल चलते हो, उस समय तुहाडा जिहड़ा बलिदान की हुंदा है कबूल हुंदा है, उस समय परमेश्वर तुहानूं मुक्ति दिखाउंदा है। हालेलुया हालेलुया। छेवां बलिदान किहना दा वा? किदां चढ़ाउणा? जीउंदा। हाँ जी पत्र जी पढ़ दिओ भाई, तुसी अपने दहियां नूं जीउंदा, तुसी अपने शरीरां नूं जीउंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नूं भौंदा बलिदान करके चढ़ावो। परमेश्वर नूं भौंदे दा मतलब कि मन पसंद करदा होया की चढ़ाउणा? बलिदान। तो परमेश्वर दा मन पसंद की आ? बोलो पवित्रता ही, परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करना, ये आ परमेश्वर दा बलिदान। और ग्रेट कमीशन की आ? ग्रेट जिहड़ी कमांड की आ बाइबल दे विच? ग्रेट कमांड ये सी जदों यीशु मसीह धरती नूं छड्ड के जा रहे सी स्वर्ग दे विच, जाओ धरती दे बन्ने तक लोकां नूं कौमां नूं मेरे की। अज असीं उस ग्रेट कमीशन ते काम कर रहे हो, ग्रेट कमांड ग्रेट हुक्म जिहड़ा प्रभु ने दिता उत्ते अमल कर रहे हो। यीशु मसीह ने कुरबानी दित्ती भी तू तां बच गया, हुण तू अपने घराने नूं भी बचा। कि असीं बचा रहे हैं कि जां यीशु मसीह दी कुरबानी जाया जान दे रहे हैं? अज तुसीं तां बच चुके हो, तुसीं तां जीवन पा लिया, तुसीं कुरबानी दित्ती अपनी अपनी दहियां नूं चढ़ा दित्ता प्रभु दे सामने भी प्रभु जी मैं जीउंदा बलिदान तैनूं चढ़ाउंदे आ, अपनी जुबान तों अपने शरीर तों पवित्र करके चढ़ाउंदे हो। की ताडे भैण भरा अंग साक जिहड़े ने रिश्तेदार ने अज तक बचे आ जां अज भी मरे हुए आ? जे ओह मरे हुए आ ते ताडा फर्ज आ भी उहनां नूं जा के यीशु मसीह दे क्रूस दे बारे, यीशु मसीह दे ब्लड दे बारे दस्या जावे भी 2000 साल पहला एक मनुख धरती दे उत्ते पैदा होया जिहदा नाम यीशु मसीह सी, जिहड़ा मेरे अते तेरे गुनाह दे लई सलीब दे उत्ते चढ़ाया गया। अज जदों यीशु मसीह दे कोल आवांगे, सलीब दे कोल आवांगे, मुक्ति नूं पावांगे। मुक्ति नूं। हालेलुया। अज लोड़ आ
यीशु मसीह की कुर्बानी जाया ना जावे ताडे लई मेरे लिए कोड़े खाते हाथों के विच किल ठोके गए सिर ते कंडियां दा ताज ये कंडियां दा ताज ओह वा जिहड़ा अदन दे बाग विच परमेश्वर ने सराप दिता है भी बाइबल च लिखा भी बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति दे विच भी आदम तेरे कारण धरती भी की हो गई आ भी की उगाऊगी तेरे लिए कंडे आले कंडे उगाऊगी ते धरती दे कंडे भी यीशु मसीह ने सिर दे उत्ते वो कंडे सिर दे उत्ते ताज बना के रख लिया इस धरती दे शराब तो भी परमेश्वर ने तुहानू आजाद किया अज क्यों ताडी जमीन च फसल वध हुंदी दूजे नालों क्यों हुंदी वो इसलिए हुंदी क्योंकि परमेश्वर ने ताडी जमीन का शराब भी सिर उत्ते लै लिया क्यों नहीं परमेश्वर ताडीआं जमीनां नूं मरन दिंदा तुसीं कहिंदे हो साडा प्लाट पास्टर जी किसी ने कब्जा कर लिया पर परमेश्वर की दया नालों प्लाट तुहानू मिलदा है ताडे घर तुहानू मिलदे जिहड़े लोग ताडे नाल धक्का करन की कोशिश करदे क्यों क्योंकि ताडी जमीन वो सराप जमीन का परमेश्वर ने बोलो इसलिए ताडे घर नूं कोई खो नहीं सकता ताडे तों ताडी फसल दुगनी चौगनी इसलिए हुंदी आ क्योंकि परमेश्वर ने उहदे सराप तोड़ दिते आ हालेलुया हालेलुया और शैतान शर्मिंदा होया जदों यीशु मसीह सलीब दे उत्ते क्यों क्योंकि परमेश्वर ने कहा सी भी औरत दे पेड़ तो जड़ा बच्चा जमेगा सप्प दी सिरी नूं फेवेगा ते औरत दे पेड़ तो कौन जन्म लिया जी किन्ने जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया जिन्ने शैतान दी सिरी नूं फेंता जदों यीशु मसीह सलीब दे उत्ते सी ना जदों उन्हां दे पैर इदां सीगे ते किल ठोके गए सी उस समय किल यीशु मसीह दे पैरां दे विच दी शैतान दी सिरी नूं फेंया गया सीगा शैतान नूं ठोकिया गया सीगा शैतान नूं ठोकिया यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते चढ़ के इसलिए तां प्रभु कहिंदा है मौत तेरा डंग हालेलुया यीशु मसीह ने मौत उत्ते की प्राप्त कीती आ जित ते तुसीं भी की प्राप्त करनी आ मौत ताडे घर दे विच आ क्योंकि ताडे घरां दे उत्ते की लगा होया यीशु मसीह दा बोल दिओ पहला सी नंगे सी जो असीं यीशु मसीह नूं नहीं सी जानदे की सी असीं नंगे सी ते उस जगह दे उत्ते परमेश्वर ने अपने बेटे दा कुरबानी दित्ती साडे नंग नूं की कर दित्ता ढक दित्ता फिर परमेश्वर साडे तों चाहुंदा सी वी असीं कुरबानी देईए परमेश्वर ने साडी कुरबानी दी जगह ते किहदी कुरबानी दे दित्ती अपने बेटे दी कुरबानी दे दित्ती चिट्ठी किहदे नाम दी सीगी चिट्ठी किहदे नाम दी सी साडे नाम दी ही पर यीशु मसीह ने किहदे नाम दी अपने नाम दी चिट्ठी पवा ली उस जगह ते हालेलुया ते अज असीं की कुरबानी दे सकदे हां प्रभु दे सामने असीं चढ़ा सकदे हो चीज़ां जिहड़ियां सानूं बहुत प्यारियां ने जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो मैं इहदे तों बिना रह नहीं सकदा अज कुरबानी देनी है तुसीं अपनी देह नूं जिउंदा करके ते पवित्र करके की करा दिओ प्रभु दे सामने चढ़ा दिओ हालेलुया ते ताडा चढ़ावा कबूल किया जाएगा ते डबल बरकत लेके आएगा हालेलुया 2015 दे विच मैं अपने शरीर नूं जिउंदा किया अपनी देह नूं पवित्र करके परमेश्वर दे सामने चढ़ाया जदों मैं सोचता हुंदा ना वी आ पाप ना मेरे तो हो जावे मैनूं डर हुंदा जे मैं पाप किया मैं यीशु मसीह नूं दोबारा सलीब दे उत्ते चढ़ा दूंगा मैं दोबारा उन्ना ही दुख दूंगा जिन्ना 2000 साल पहला यीशु मसीह ने दुख सहया जदों तुसीं तौबा करके बपतिस्मा लैके पाप करदे हो यीशु मसीह नूं दोबारा सलीब दे उत्ते चढ़ा दिंदे हो यीशु मसीह दोबारा सलीब ते दोबारा किल ठोके जांदे ने पैरां च पसली च नेजा मारिया जांदा है सिर ते कंडे ताज पाया जांदा है दोबारा कष्ट दिंदे हो तुसीं यीशु मसीह नूं जदों की करदे हो पाप तुसीं चाहुंदे हो वी दोबारा यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाया जावे अपने मनां दे विच अज पछतावा करो प्रभु जी अज तो बाद मैं कदी गुनाह नहीं करांगा और ताडी कुरबानी नूं कदी जाया नहीं जान देवांगा जिहड़े ऑनलाइन भी वेखदे हो दुआ करो कि खुदावन मैं अज तो प्रभु जी अपनी देहां नूं जिंदा करके पवित्र करके ताडे सामने चढ़ावां और जिस तरह प्रभु जी
परमेश्वर जी तुसी अपने इकलौता पुत्र साडे लिए कुर्बान किया। मेरे जीवन दे विच वी जिहड़ियां चीज़ां नूं मैं ज्यादा अहमियत दिंदा वा दिंदी आ अज तुहाडे सामने चढ़ा दित्ती आ प्रभु जी। और मैं वध दुनिया तो सब तो पहला स्थान प्रभु जी मेरे जीवन च तुहाडा होवेगा प्रभु जी। मेरे जीवन दे विच सच्चा प्यार पहला प्यार तू आ प्रभु जी। और अज तो बाद खुदावन जी मैं कभी गुनाह पाप नहीं करांगा, तुहानू कभी सलीब ते नहीं चढ़ावांगा। एक बारी असीं तुहानू चढ़ा चुके हाँ, मैं दोबारा कभी इदां दी गलती नहीं करा भी तुहानू सलीब ते चढ़ावां प्रभु जी। और मेरा ईमान है अज दे कलाम दे द्वारा तुसीं वड्डी आशीष ते बरकत नूं पाओगे। इस कलाम द्वारा परमेश्वर तुहानू बरकत देवेगा।